परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है, तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव।